रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। मुस्तखर महबूब नगर के आयमा मौजनीन की नुमाइंदा तंजीम इमाम मौजिन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के एक नुमाइंदा वफद जिसकी क्यादत हाफिज इलियास नक्शबंदी इमाम मक्का मस्जिद, हाफिज जुबैर बा मजबूर इमाम व खतीब मस्जिद रियाजुल जन्ना ने की, अब्दुलरहमान मुजम्मिल सदर जरे मार्केट कमेटी और मोहम्मद अहमद सना सदर जामिया मस्जिद की सरपरस्ती में रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर रवि श्रीनिवास गौड़ से इनकी रिहायशगाह वाक़ नजर जदीद कलेक्ट्रेट भूतपुर रोड पर मुलाकात की और आयमा मौजिनीन के मुतालिक चंद मसाइल पर मबनी एक याददाश्त वज़ीर मौसूफ के हवाले की। वज़ीर मौसूफ ने आयमा मौजिनीन के मसाइल की तफसीली समाअत के बाद अपने खिताब में कहा कि वह आयमा और मौजिनीन के मसाइल के हल के लिए संजीदगी के साथ काम करेंगे। डबल बेडरूम मकानात के मुतालिक उन्होंने बताया कि सबसे गरीब और मुस्तहिक आयमा और मौजिनीन को तरजीही तौर पर एक के बाद दीगर डबल बेडरूम मकानात देने का तयखुन दिया। इसके अलावा आयमा मौजिनीन के मजीद मसाइल से आगही के लिए अंदरून 10 यौम एक खसूसी इजलास मुनक्किद करने का भी तयखुन दिया। वज़ीर मौसूफ ने 2014 के बाद हल्के संभली महबूब नगर में मुस्लिम मसाइल की एक सुई के लिए किए गए इकदाम के मुतालिक रोशनी डाली। आप जानते हैं आप लोगों का डेली नमाज पढ़ते रहे, डेली माइनर के क्या हिस्सा है, क्या है अपने माइनर चीज का क्या हालत, देखो तेलंगाना पहले का तेलंगाना आने के बाद ऐसे तेलंगाना क्या है। तो आप लोग दूसरा काम नहीं, डेली नमाज पढ़ना, खाना सो जाएगा तो नमाज पढ़ना, आप लोगों का दिमाग में अल्लाह रहता और माइनर में क्या डेवलप है, क्या करा, क्या हो रहा माइनर के, क्या है अपने और पब्लिक क्या हो रहा, माइनॉरिटीज क्या हो रहा वो देख रहे हम लोग। इससे पहले 200 रुपए पेंशन पूरे माइनर को 7500 दे अभी दे दे, आज 20,000 लोगों को 2000 पेंशन दे, 20,000 में कितना माइनॉरिटीज है देख लो आप लोग। देख पानी का इस्तेमाल आप सोचते सब 6 किलो चावल 20 किलो दे देते कितना भी देते वो भी निकाल दिया, अरे एक मस्जिद का थोड़े पैसे देके रिपेयर की पे चुना ही ना अरे मस्जिद मस्जिद किया और पूरे दरगाह में आ रचा अब्दुल का दरगाह, बाबा का दरगाह, शाशा दरगाह और वह किधर बाद मसला दरगाह एक एक जगह करा रहे और आजाद भी करा रहे आजाद भी चालू कर दिया। एक्चुअल आज तक होता था शाशा फुटे में हमारे मेहमान को एक लैंड दिए तो वह पैसे दिया वो फाउंडेशन खाने को ये नको नको बोलते हुए ठीक है वहां निकल के या अवधि होटल के अपोजिट में काम शुरू करे ए नहीं नहीं नको नको हमारा है बोल के कोई यहाँ पर अपने मुसलमान ने छोड़ दिया ठीक है बोलते आपको वहाँ एक घंटा गए काम शुरू हो गया 50 लाख का काम हो गया हमारा अंदर प्रोजेक्ट का भाई कर रहा और 50 लाख भी उसको ऐड कर दिया 1 करोड़ से अच्छे से बना और 120 करोड़ से माइनॉरिटी स्कूल 6 स्कूल बना रहे और 6 माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज भी आ रहा है उसमें काम चल रहा है। 23 एकड़ लैंड दे रहे उसपे 120 करोड़ से स्कूल कॉलेज बना रहे कौन बढ़ते आपके लोगों बढ़ते साल साल 5 साल लोना पढ़ के बाहर आया कितना अच्छा हो जाता फूल का दुकना पंक्चर का दुकना बंद हो जाता पर भी इंजीनियर डॉक्टर बंद आपके बच्चे में वही सब मैगनर में गरीब लोग के लिए एजुकेशन हॉस्पिटल खाना पीना ऐसा तरीके की करने का है और बोला बोलते बोलते सीएमएलए पढ़ने में वो चार साल लोग दे रहे पॉलिटिकल में देखो पॉलिटिकल में काउंटर वहां आ गया जनरल सीट में भी मार्केट चेयरमैन दिया और निजाम पाशा को डीसीसी भी चेयरमैन दिया तेलंगाना में नहीं इंडिया वो
अपने को बीसी चैलेंज पहली बार वायदा ने दिया, पॉलिटिकल में, एजुकेशन में, खाना में और मजलिसों को और 16 एकर्स कब्रिस्तान दिया चारों तरफ। मैंने एक एकड़ कुछ शासक उठा ले उत्तर वोट इलेक्शन में एक एकड़ में उसका एक सौ रुपए एकड़ लगा ले बोलती एक कुछ तो 16 एकर्स दिया मैं चारों तरफ दिया। अपन देखना अपन मारने के बाद वहीं जाते चारों तरफ कोई तोड़ कर नसीब है तो वो दूसरी जाते देखो पर क्यों नहीं दिया। आप लोग सोचना क्या है बोलिए आप लोगों को कोई आते पांच साल नहीं दिखते पांच साल और नहीं दिखते हॉस्पिटल में बढ़ते नहीं आते गांव में कुछ बढ़ते नहीं आते घर में कुछ नहीं आते अब तो आते अब बाका बड़े 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 में बाका मत करते तो सेम हम दलाल मत करते अपन अपन ये करना ये करना आप लोग अपन को आप मालूम है अपन मैं हूँ दूसरे लोग आपको मालूम है। आज दुबई से दो जने वापस आके गूगल में दुकान खोल लिया एक गिरी गाड़े में दुकान खोल लिया क्या दुबई साहब बेकार है ऐसे तो ये बाहर आ गया अच्छा है भाई ना हो रहा दो दुकान वापस आके खोल लिया। स्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट असली घी मेवा जात बादाम काजू पिस्ता और असली खोए से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9982610079441545 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है तो फिर देर किस बात की अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर कॉस्मिक बेक जोन महबूब नगर।